बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद वन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु في أسره فليصب رحمه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے कि उसके निशानात तादेर चलते रहें, निशानात कदम यानी लंबी जिंदगी उसकी हो और जिंदगी भी ऐसी हो जो चलता फिरता हो, माजूरी की जिंदगी नहीं, बिस्तर की जिंदगी नहीं, लंबी जिंदगी हो और चलते फिरते जिंदगी हो। तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करे। रिश्तेदारी जो नसबी रिश्तेदारी होती है इसको अरबी जुबान में रहम कहते हैं। रहम रहमत से मुश्तक है और अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी इसी से बना हुआ है, रहमान और रहीम। और कुरान पाक की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफतें जिक्र की हैं, दोनों का ताल्लुक सिफत रहमत से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह के नाम के बाद फिर रहमान है और रहीम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अर्रहमतु शजनतु मिनर रहमान, कि अल्लाह ताला ने ये रिश्तेदारी जो है इसका नाम रखा है रहम, तो अपने नाम से निकाला है ये नाम, तो इतनी अहमियत है कि उसका नाम अपने नाम के साथ मिला के मिलता जुलता, अपने नाम के साथ मिलता जुलता नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और अल्लाह ताला ने उसको ये कहा है कि जो आदमी तुझे जोड़ेगा यानी रिश्तेदारी को जोड़ेगा तो मैं उसको जोड़ूंगा अपने साथ। यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना ये अल्लाह के साथ जुड़ने वाली बात होती है, और जो आदमी तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसकी ला ताल्लुकी हो जाएगी। और इस तरीके से एक हदीस शरीफ में है, सही हैन की हदीस है, सही बुखारी की और सही मुस्लिम की हदीस है, कहते जुबैर इब्ने मुतइम कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रिश्तेदारी जो है ना, रिश्तेदारी अल्लाह ताला ने इसको शक्ल दी होगी कोई, तो ये अल्लाह के अरश के साथ लिपट गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लेनी, अल्लाह से इल्तिजा की कि मेरा भी ख्याल करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको ये जवाब दिया कि मन व जो तुझे जोड़ेगा वसलहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको जोड़ेंगे, और जो तुझे काटेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको तोड़ेंगे। तो रिश्तेदारी ने अल्लाह के आरश के साथ लिपट के ये अल्लाह ताला से इल्तिजा की है। तो रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना ये बहुत बड़ी नेकी है, और रिश्तेदारों के साथ क्या है अच्छा बर्ताव करना और उनके साथ बुरे बर्ताव से बचना ये अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के नुजूल का ज़रिया है। इंसान चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत समेट लूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत को रिश्तेदारी के साथ जोड़ा हुआ है, जितना इस रिश्तेदारी को जोड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना ही ज़्यादा अपनी रहमत का मोरद बनाएंगे और अल्लाह की रहमत उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा नाजिल होगी।
रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक में क्या करना चाहिए? असल में रिश्तेदारियाँ मुख्तलिफ दर्जे की होती हैं, सारी रिश्तेदारियाँ यकसा नहीं होती। सबसे करीब तरीन रिश्ता जो होता है वो इंसान का वालिदैन का रिश्ता होता है, और एक रिश्ता बीवी का भी होता है। लेकिन जब मुहद्दिसीन हदीसें नकल करते हैं तो सिला रहमी का जो बाब होता है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का जो बाब है, उसमें बीवी से मुतालिक जो हुस्न सलूक की रिवायतें हैं वो यहाँ नहीं लाते, क्योंकि इसके लिए मुस्तकिल बाब है किताब निकाह में कि खाविंद बीवी का आपस में कैसा ताल्लुक होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवी के साथ, अपनी अजवाज के साथ कैसा ताल्लुक था, और आपने उनके साथ कैसा निभाव किया है और कैसा हुस्न सलूक किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। उन सारी अहादीस का खुलासा इस जगह जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे और ख्वाजा अब्दुल्ला साहब का निकाह था, वो भी इंतकाल फरमा गए, मेरे वालिद साहब भी इंतकाल फरमा गए, तो वालिद साहब ने वो सारी अहादीस का एक खुलासा निकाला था। खुलासा ये निकाला कि ये बच्ची निकाह से पहले अपने वालिदैन के घर में थी, वो उसकी नाज बरदारी उसका वालिद भी करता था, वो नाज करती थी तो माँ भी उसके नाज उठाती थी, भाइयों पे भी उसको नाज होता था तो भाई भी उसके नाज उठाते थे, कुछ ज़रूरियात तो भाई भी उसकी पूरी कर देते थे, उसके काम काज करते थे। तो वालिद साहब ने फरमाया कि अब वो सबको छोड़ के इधर आ गई है, तो बहसियत खामिन जो इसने नाज उठाने हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, बाप जो इसके नाज उठाता था वो भी अब खामिन की तरफ मुंतकल हो गया, वो जिम्मेदारी भी इसकी है, और जो माँ इसके नाज उठाती थी वो जिम्मेदारी भी इसी की है, इसकी खालाएं जो इसका नाज उठाती थी वो जिम्मेदारी भी अब खामिन के ऊपर आ गई है, और जो इसके भाई इसके नाज उठाते थे वो सारी नाज बरदारियां जो हैं वो लौट के यहां पर आ गई। और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है बहुत सी आपके अजवाज जो हैं वो ऐसे खानदान से आई हैं जिस खानदान में उनका कोई रहा कोई नहीं था, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफकत के आगोश में आ गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर पे हमला किया तो खैबर में जो कबीला था, इस कबीले का सरदार था हुयै इब्ने अख्तब, ये कबीला मदीने से निकाला गया था, और हुयै इब्ने अख्तब ने मदीने से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी का आगाज़ कर दिया था, और साजिशें का सबसे ज़्यादा साजिशें करने वाला सबसे बड़ा साजिशी यही था। और सन 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, वो बहुत सारे कबाइल इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पे हमला आवर हो गए, और जिसके दिफा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को खंदकें खोदनी पड़ी, तो उन सबको इकट्ठा करके लाने वाला भी हुयै इब्ने अख्तब था। ये हुयै इब्ने अख्तब मुसलमानों के हाथों से ये ग़ज़वा खैबर से पहले ही कत्ल हो गया था, और इनकी साहबजादी थी सफिया। इन्होंने ख्वाब देखा था, ख्वाब ये था कि वो आसमान से चांद नीचे आया, अपने वालिद की जिंदगी में ख्वाब देखा था कि आसमान का जो चांद है वो नीचे आया है और मेरी गोद में आ गया, तो वालिद ने उसको तमांचा मारा या डांटा और कहा कि तू मोहम्मद से ख्वाब के ख्वाब निकाह करने का ख्वाब देख रही है, तो समझता ये था कि आसमान चांद जो है ना वो मोहम्मद ही है, चाहे दुश्मनी सही समझता ये था। तो ग़ज़वा खैबर में रसूलुल्लाह ने जब खैबर पे हमला किया तो ये जो सफिया थी हुयै इब्ने अख्तब की बेटी, ये इसका जो खाविंद था वो इस ग़ज़वे में मारा गया, और इस खाविंद का जो भाई था वो भी मारा गया,
तो इन दोनों ने, सफ़िया का जो खामिंद वो और इनका भाई, इनकी साजिश ये थी कि मक्के के अलावा एक कबीला था गतफान का, बहुत बड़ा कबीला था, उस कबीले को मुसलमानों के खिलाफ उभार के लाने वाले वो थे, ये उसकी साजिश थी। वो भी इसमें जंग में मारा गया। फज़ल सफ़िया का ना तो वालिद रहे थे ना इनके खामिंद रहे थे, और ये कैदियों में आ गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों में आने वाली औरतों का भी एहतराम करते थे, और अगर वो अपने कबीले में उसका कोई मकाम होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मकाम देते थे। तो ये अपने कबीले में सरदार की बेटी थी, और इसका खामिंद बहरहाल जो को मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में शरीक था, लेकिन बहरहाल अपने कबीले में उसका एक मकाम तो था, उसकी वजह से इस खातून का भी मकाम था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये कहा कि अगर आप अपने कबीले में वापस जाना चाहें तो मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, आप वापस जाना चाहें तो जा सकती हैं, और अगर आप यहाँ रहना चाहें, हमारे साथ रहना चाहें, तो फिर मैं खुद आपसे निकाह कर लूँगा। तो बेसहारा खातून थी, तो उस मौके पे वालिद भी नहीं था, खामिंद भी उसका जो पहला था वो फौत हो गया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके दुश्मन की, जो दुश्मन नंबर एक की बेटी और दुश्मन नंबर एक की बीवी, एक तरफ से दुश्मन नंबर एक की बेटी थी और दूसरी तरफ से दुश्मन एक नंबर एक की बीवी थी, रह चुकी थी, तो उसको, लेकिन अपने कबीले में तो बड़ा मकाम था ना, तो अहमद ने उसको मकाम दिया और उसका नाज उठाया। और सहाबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये कहा कि या रसूलुल्लाह मैं वापस जाके क्या करूँगी, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ और आपको इख्तियार करती हूँ, तो रसूलुल्लाह ने उनको निकाह कर लिया। लेकिन निकाह के गवाह मजलिस में महदूद होंगे, आम सहाबा को पता नहीं चला होगा, तो सहाबा कहते हैं कि हम ये देख रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत सफ़िया को अपने साथ रखा है, ये आपकी बांदी है या आपकी बीवी है? ये सहाबा ने सवाल हुआ, तो इस सवाल का जवाब भी सहाबा ने दिया कि पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो बांदियाँ होती हैं उनका पर्दा और नौयत का होता है, और जो आज़ाद औरतें होती हैं उनका पर्दा ज़्यादा होता है। तो अहमद वसम अगर मुकम्मल पर्दा कराते हैं जैसे आज़ाद औरतों का होता है, तो फिर मतलब यह है कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और अगर उससे कमतर दर्जे का पर्दा कराते हैं तो इसका मतलब यह है। तो कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुकम्मल पर्दा कराया, जैसे अजवाज मुतहरात का और आपकी बाकी अजवाज का पर्दा होता है, इस तरीके से अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पर्दा करवाया। और अभी ये नया नया निकाह हुआ है, यहाँ से जारी हुए, और आम आदमी बीवी की नाज बर्दारी तो कर लेता है लेकिन घर में रह के कर लेता है, घर में रह के कर लेता है, और लोगों के सामने करे तो मेरे जैसा छोटा मोटा आदमी भी शर्माता है, खिदमत करता हुआ नाज बर्दारी करता हुआ शर्माता है, खुलेआम तो शर्माता ही है आदमी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से खैबर से रवाना होने लगे, वहाँ से चलते हुए रास्ते में सहाबा जगह पर ठहरे थे और वहीं वलीमा भी हुआ था हज़रत सफ़िया का, और ये वो वलीमा था जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपना अपना खाना ले जाओ सारे और एक दस्तरखान बिछाओ, सब बैठ के इकट्ठे खा लेते, ये वलीमा था। तो वहाँ से जब आगे रवाना होने लगे हैं तो हज़रत सफ़िया को ऊँटनी पे बिठाना था, तो ऊँटनी बैठी भी हो तब भी खातून के लिए ऊपर सवार होना एक मुश्किल काम होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के पास इस तरीके से बैठ गए कि एक घुटना अपना खड़ा कर लिया, और हज़रत सफ़िया से कहा कि अपना एक पाँव मेरे घुटने पर रख के और ऊँटनी पर सवार हो जाओ। तो बीवी का ये मैं हुकूक बता रहा हूँ, और जो अहमद हसन ने हकूक बयान फरमाए हैं तो उसका खुलासा जो मैं अपने वालिद साहब से इस मकाम पे इसी जगह पे मैंने सुना है वो आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बल्कि कारतीब साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बीवी के चार हकूक होते हैं,
एक हक होता है उसका खर्चा उठाना, दूसरा उसको मकान देना, तीसरा उसको लिबास देना, अच्छा लिबास देना अपनी हिम्मत के मुताबिक, और चौथा होता है उसकी नाजबरदारी करना। और नाजबरदारी जो होती है वो उम्र के तनासुब से होती है। हज़रत आयशा की उम्र जो है वो कम थी तमाम अज़वाज मुतहरात में से, तो कम उम्र बच्चों का ज़ौक, जो उम्र होती ना उसके शौक और नौइयत के होते हैं, बड़ी उम्र के जो शौक होते हैं वो और नौइयत के होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हज़रत आयशा का शौक अपनी उम्र के तनासुब से था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दौड़ भी लगाई है। और एक मौके पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बाहर चक्कर लगाने के लिए, आउटिंग के लिए, हज़रत आयशा को ऊँट तैयार करके दिया कि उस पर बैठ के बाहर जरा शहर से बाहर जरा चक्कर लगाएं, आउटिंग कराएं, थोड़ा सा तबीयत हल्की हो जाती है बाहर चक्कर लगा के, कभी बच्चों को घर वालों को इस तरीके से लेके जाना शहर से बाहर ले जाए या कहीं ले जाए, यह भी सुन्नत समझ के ये काम करने चाहिए। हज़रत हम सफ़र में साथ ले गए हैं तो ये सुन्नत समझ के काम करने चाहिए। तो एक मौके पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा के खिलौने पड़े हुए थे, तो अब बड़ा आदमी जो है ना वो खिलौने से दिलचस्पी नहीं लिया करता, बड़े का जहन बड़ा होता है, बच्चों का जहन बच्चों वाला होता है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ लाए हैं और हज़रत आयशा की खातिर उन खिलौनों से दिलचस्पी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये खिलौना क्या है, ये क्या है। तो एक खिलौने के बारे में हज़रत ने पूछा कि ये क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा ने फरमाया कि ये घोड़ा है। तो हज़रत ने ताज्जुब से पूछा कि इसको तो पर लगे हुए, तो घोड़े के तो पर नहीं होते, ये दिलचस्पी दे रहे हैं। और ये दिलचस्पी किस लिए है? बस दिलदारी है, नाजबरदारी है, और क्या है। तो हज़रत आयशा भी ज़हीन थी, गो उम्र कम थी लेकिन कुरान तो पढ़ा हुआ था ना, इल्म तो बहुत था उनके पास। तो फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी नहीं उड़ा करती, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी उड़ा करती थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जवाब पे हंस दिए और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इतना हंसे कि आपके ये जो नोक वाले दांत हैं ये भी ज़ाहिर हो गए, आपका हंसना जो होता था वो मुस्कुराना होता था, और आपकी ज़्यादा मुस्कुराहट जो होती थी वो इस हद तक होती थी कि आपके ये सारे दांत जो हैं वो चमकते हुए नमूदार हो जाते थे, सामने हो जाते थे, एक नूर सा सामने आ जाया करता था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रिश्तेदारों के हकूक़ का जहाँ तक तस्करा आता है तो मुहद्दिसीन रिश्तेदारों के हकूक़ के बयान में बीवी का तस्करा नहीं लाते, उसकी वजह यह है कि किताबुन निकाह में अलग उसका तस्करा आ चुका होता है, उसका खुलासा मैंने आपके सामने अभी बयान कर दिया। तो एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह मेरा हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहक कौन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तेरी वालदा। उसने फरमाया सुम्मा मन, फिर कौन? आपने फरमाया तेरी वालदा। उसने फरमाया उसके बाद फिर कौन? फरमाया तेरी वालदा। तो उसने चौथी मरतबा सवाल किया सुम्मा मन, इसके बाद फिर हुस्न सलूक का ज़्यादा मुस्तहक कौन? फरमाया सुम्मा अबू का, फिर तेरे वालिद जो है वो। तो माँ का हक तीन दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है और माँ की मुशक्क़त भी ज़्यादा होता है। कुरान में आता है हमलत उम्मुहु कुरहा, हमल में वालदा ने उसको अपने पास रखा पेट में, तो उसमें बड़ी मुशक्क़त है, शुरू से मुशक्क़त शुरू हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है और
तबीयत में तगैर आ जाता है। वज़ाहत कुरा, और माँ ने जब जड़ा है तो उसमें भी मशक्क़त है। और तीसरी मशक्क़त फरमाया कि वह हमलहू व फिसालहू सदासु नशारा, कि फिर उसका जो दूध पिलाना है ये भी एक मशक्क़त का दौरानिया होता है। तो माँ ने मशक्क़त ज़्यादा उठाई है तो अल्लाह ताला ने इसका हक भी ज़्यादा रखा है। और दूसरी वजह इसकी, हमारे वालिद साहब फरमाते थे कि माँ खिदमत की ज़्यादा मोहताज होती है कमज़ोर होने की वजह से और घर में होने की वजह से। बाप के लिए खिदमत के ज़राए और भी बहुत हो सकते हैं, बाहर उसके खुद्दाम बहुत हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं बहुत उसके, लेकिन माँ की, माँ को ज़रूरत ज़्यादा होती है। और हमारे वालिद साहब ने जब ये हदीस हमें पढ़ाई थी तो फरमाया था कि खिदमत के एतबार से माँ का हक ज़्यादा है और अजमत के एतबार से वालिद का हक ज़्यादा है। तो जहाँ खिदमत का मौका आए वहाँ बाप भी ज़रूरतमंद है खिदमत का, माँ भी ज़रूरतमंद है खिदमत की, तो तरजीह जो है वह माँ को दी जाएगी। जब तआरुज़ हो जाए तो माँ को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और जहाँ तज़ीम की बात आए, मशवरे का मौका है, रिश्ता तय करने का मौका है, कोई और अहम घर का मामला है जिसमें मुशावरत है, फैसला करना है, तो उसमें जिधर बाप का रुझान है उसको तरजीह दी जाएगी। यहाँ यहाँ अजमत का जहाँ मामला आएगा तो वहाँ पर बाप को तरजीह दी जाएगी उसमें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, वालिद जो है ये जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियाना दरवाज़ा है। रावी ने जब ताबईन के सामने ये हदीस बयान की तो ये हदीस बयान करके फरमाया फहाफिज अल बाबी औज़य्यर, ये दरवाज़ा है जन्नत का, बाप चाहे इस दरवाजे को ज़ाया कर दे चाहे महफूज रख ले, यही रास्ता है दरवाजे का। और एक जगह फरमाया सख्तुल वालिदी सख्तुल रब फी सख्तुल वालिदी, या सख्तुल रब फी सख्तुल वालिदी, तो तेरे अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में, और रज़ा रब फी रज़ा वालिदी, अल्लाह की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है। और इस तरीके से आज हम कहते हैं ना कि ये माँ दी दुआ दुआ तट जन्नत दी हवा, माँ की दुआ भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हदीस में जो जिस दुआ का तज़किरा आता वो वालिद के लफ्ज़ के साथ आता है ज़्यादा। दुआ जो दुआएँ रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला लाजमन उसको कबूल करते हैं। तो फरमाया एक तो मज़लूम की दुआ होती है उसको रद्द नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला, कबूल करते हैं। और एक फरमाया दुआउल वालिद लिवलदिही, वालिद की दुआ जो औलाद के लिए होती है। तो वो कहते हैं वो रिवायत भी है कि अलजन्नतु तहता अकदामिल उम्महात, लेकिन इस रिवायत के बहुत सारे तुरुक पे मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, बाज़ों ने मौज़ू कहा है, बाज़ ने मुनकर इसको कहा है, लेकिन मुमकिन है कि कोई तरीक इसका काबिल हुज्जत भी हो। सारे तुरुक तो मेरी नज़र में नहीं है, इसलिए मैं ये कह दूँ हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है और काबिल एतबार नहीं है ये तो नहीं कह सकता। लोग ऐसी जुरतें करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उसका मतलब ये है कि उन्होंने हदीस की सारी सनदें देख ली हैं, तो अगर नहीं देखी तो ऐसी जुरत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जो तुरुक बहुत सारे तुरुक पर कलाम भी किया गया है। हज़रत मौलाना एहतशाम अख्सर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी बेटी एक मरतबा कहने लगी कि ये सुना है कि अम्मा के पाँव के नीचे जन्नत होती है, अम्मा के पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो अब्बा के पाँव के नीचे क्या होती है, चप्पल होती है क्या? तो अब्बा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाज़ा फरमाया।
और उसकी दुआ के बारे में फरमाया कि उसकी दुआ सीधी जाकर लगती है आदमी को। और अल्लाह की रजा उसकी रजा में है, ये भी अल्लाह ताला फरमाया। तो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारी वालिदैन की होती है, और बाकी रिश्तेदार भी होते तो उनकी भी होती है। एक हदीस में है, उसने फरमाया कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, जो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के बदले में हुस्न सलूक करता है वो सीधा रहमी नहीं कर रहा, वो तो बदला दे रहा है। उन्होंने हमारे साथ हुस्न सलूक किया, हम उसके साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं। और बल्कि फरमाया कि हुस्न सलूक असल में ये है कि इंसान जो है जो रिश्तेदार बदसलूकी करे उसके साथ इंसान हुस्न सलूक करे। इसलिए कोई रिश्तेदार गालियां निकालता है, बदसलूकी करता है, गीबतें करता है, बुराइयां करता है, बदखाही करता है, तो हमारे तो फायदे में है, इसलिए कि अब हमें मौका मिला है कि हम उसके साथ हुस्न सलूक करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सिला रहमी बढ़ेगी, वरना तो सिला रहमी नहीं बनती थी। वो तो अच्छे सलूक के बदले में अच्छा सलूक तो आदमी पड़ोसी से भी कर लेता है, आदमी घरों से भी कर लेता है। तो एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मैं रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता हूँ, वह बदसलूकी करते हैं, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं। उसने फरमाया अगर तू जो बात कह रहा है अगर सही है कि तू उनके साथ हुस्न सलूक करता है, वो बदखाही करते हैं, तो तू उनके मुंह में राख डाल रहा है, मुंह च सवा पा रहा है। तो बदसलूकी करने वाले के साथ का बदला लेने का तरीका ये नहीं है कि हम भी बदसलूकी करने लग जाए, बल्कि उससे बदला लेने का तरीका यह है कि हम उससे हुस्न सलूक करें। इसको हुजूर ने फरमाया मुंह च सवा पाती, मुंह च सवा पाओ। तो और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके शर से हिफाजत करने का इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। तो रिश्तेदारों की बदसलूकी के शर से बचने के लिए, बचना चाहे इंसान तो उसका रास्ता यही है कि उनके साथ हुस्न सलूक आदमी करता रहे, वो जो बदसलूकी करेंगे अल्लाह मियां खुद ही बदला देंगे उसे, और उनके शर से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। किसी पीर की तावीज़ की ज़रूरत नहीं, बस यही काफ़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें रिश्तेदारों के हकूक पहचानने की तौफीक अता फरमाए। मसरूफ़ ज़िंदगी में रिश्तेदारों के यहाँ आड़ा जाना भी चाहिए, मिलना जुलना भी चाहिए, खुसूसन गमी और ख़ुशी में उनके साथ शरीक होना चाहिए, बोल चाल उनसे बंद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। www.darsequran.com